शुभ सकाळ मु तुम प्रिय महेश्वर सार तुम मानू स्वागत करुची ऑनलाइन एमबी क्लासेस को पिले मु आज आसी आई तुम विज्ञान कार्य पुस्तिकार आउ एक अध्याय नहीं या पूर्व पिले आम तृतीय अध्याय प्रथमस्त कार्यफर्द और आकलन फर्दर प्रश्न उत्तर को आलोचना करथिले। हाँ कि ना पिले? हाँ वेरी गुड पिले, तुम्हें या पूर्व कार्यफर्द को बहुत संख्या रे देखिच बुझिच लेखिच से मु बहुत खुशी। तबे पिले आज कार्यफर्द तृतीय अध्याय, तबे पिले तुम्हें प्रस्तुत हो जाओ, पाखरे बही पेंसिल पेन इत्यादि को रेडी कर दियो हैला। हाँ पिले, जो मैंने प्रथम थर पर मोर क्लास करुचंदी से माने जल्दी जल्दी ये चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, कारण आगामी दिन रे मु विज्ञान गणित इंग्रजी रे जहाँ सबू कार्यफर्द आणवि तहार नोटिफिकेशन तुम्हें ही शीघ्र पाइपर। हाँ पिले, तबे आसो आज अध्याय तृतीय अध्याय। आज तृतीय अध्याय पिले संश्लेषित तंतु और प्लास्टिक उपरे पर्यवेक्षित। पिले यह तुम विज्ञान बहर तृतीय अध्याय विषय नाई, तृतीय अध्याय को तुम्हें माने जदि पढ़ी थी ताहले वेरी गुड, जदि पढ़ीना ताहले टिके पढ़ा करदेव, कारण से विषय तृतीय अध्याय विषय एवं कार्यफर्दर कार्यपुस्तिकार विषय समान, किंतु एठारे प्रश्न देजी सेठारे कौन पिले विषय वस्तु को वर्णना करिछि। तबे पिले आस एठारे मु प्रश्न आ उत्तर को गोटी गोटी करी आलोचना करिबी, तुम्हें माने समस्ते मन ध्यान दे सुनिबो बुझिबो आ खातारे लेखि दबो हला। संश्लेषित तंतु प्लास्टिक कौन शिक्षा करिबा अध्यायरु प्राकृतिक और संश्लेषित तंतु मध्य पार्थक्य दर्शाइबा, विभिन्न प्रकार तंतु और प्लास्टिक्स वर्गीकरण करिबा, प्लास्टिक नियमित व्यवहार आवश्यकता दर्शाइबा, बुझौछि पिले? हाँ पिले, प्राकृतिक तंतु मु आरंभ कहि तंतु रु ही वस्त्र सृष्टि, तंतु नहीं तो वस्त्र नहीं, ए तंतु जो बड़ जिनस वस्त्र हो विभिन्न द्रव्य मध्य सृष्टि होता है। ये तंतु को मध्य दुई भागर विभक्त करा जाए था, गोटे प्राकृतिक तंतु आ गोटे संश्लेषित तंतु। पिले पूर्व अध्याय आम प्राकृतिक तंतु विषय पढ़ुते जहाँ को भाग कराइला उद्भिद तंतु और हाँ हाँ प्राणी तंतु। पिले वर्तमान समूह तंतु को दुई भाग विभक्त करागला, गोटे प्राकृतिक तंतु आ गोटे संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु ही प्रकृति मिलूची, से प्राणी हो बा उद्भिद हो। संश्लेषित तंतु बिले केवल मनुष्यकृत, मनुष्य ही परीक्षा निरीक्षा परे विज्ञानगार रे ए तंतु को सृष्टि करी थाए। आस पिले प्रश्न उत्तर माध्यम रे आमे विषय को आगे नहीं जीवा। चल एक नंबर प्रश्न, निम्नलिखित तंतु गुड़ी जो गुड़ी करू जो अलग तार चारिपाखर गोल बुलाओ, रेशम कपा सूता पशम। हाँ पिले देख, रेशम कपा सूता पशम, पिले कपा सूता ही अलग, कहीं रेशम प्राणी तंतु, पशम प्राणी तंतु, कपा सूता उद्भिद तंतु, यहाँ ही अलग, बुझे पिले। दुई नंबर प्रश्न को चल जावा, क्यों जैव अवक्षय अजोग्य तार चारिपट गोल बुलेवा, जैव अवक्षय अजोग्य पिले, जैव अवक्षय मान नष्ट अजोग्य हो पार ना, से किए कागज काठ प्लास्टिक बैग पनीपरिवार चोपा, बुझे पिले यार उत्तर ठीक उत्तर हम प्लास्टिक बैग, कारण पिले कागज देख कागज अवक्षय हो पार माने मटिरे मिसी पार, काठ मटिरे मिसी पार, पनीपरिया चोपा मटिरे मिसी पार, किंतु प्लास्टिक बैग केवे अवक्षय हो पार ना, यहाँ हालांकि अवक्षय अजोग्य, वर्ष वर्ष धरी प्लास्टिक बैग ही माटी रे पड़ी रहिबो, तेणु यहाँ ही अलग या चारिपटे कौन करवा गोल बुले दवा, बुझे पिले वेरी गुड। चलो पिले परवर्ती प्रश्न को देखा, तीन नंबर पिले, मेंढा लोमरु उल तेरी हेबार सोपान गुड़ी को देखी उपयुक्त क्रम में खाली कोठरी लेखिबा। हाँ पिले, मेंढारु उल मिली थाए, मेंढा लोमरु उल मिली थाए, मिलवापाई विभिन्न सोपान अच्छे, जो सोपान गुड़िक पिले ये दि जाए किंतु ठीक क्रम आम ताकू सजाई
लेखिबा त सोपान गुडु को देखिजिबा कोन अछि लोमरे लागितबा धुली परिष्कार करबा लोमरे रंग मिसैबा मेंडार वर्धित लोम को काटिबा छोट छोट लोम को अलगा बाहर करबा लोम को गुडाई सूता काटिबा पिले इहा थिला मेंडा लोमरु ऊल प्रस्तुत करिवार विभिन्न सोपान किंतु इहा को क्रमर लेखिले कोन हबो ना मेंडार वर्धित लोम को काटिबा एक नंबर सोपान जो जोडा ग्रीष्म ऋतु रे करा जाय मेंढार लोम बढ़ीगला पर काटिक लोम लोम को संग्रह करा जाए दुई रे लोम लगे धूली परिष्कार कर लोम जो धूली लगी परिष्कार कर परिष्कार करन नंबर छोट छोट लोम को अलग बाहर करवा बड़ लोम छोट लोम मेंढार भी थी नहीं छोट छोट लोम को आम कौन करवा पड़ो अलग करवा पड़ चार लोम रंग मिसाइबा लोम पीले कौन करवा रंग मिसाइबा पांच नंबर सोपान लोम को गुड़ाई सूता काटिबा लोम मिलीगला परे विभिन्न रंगीन रोम लोम होगला परे गुड़ाई सूता काटिबा पिले कौन करिबा सूता काटिबा पिले यहाँ थिला तीन नंबर प्रश्नर उत्तर चलो चार नंबर देखिबा चार नंबर पिले देख दियो उद्भिद तंतुर दुईट उदाहरण दियो गोटे पिले कपा आ गोटे पिले होची झोट उद्भिदर दुईट तंतु गोटे ला कपा आ गोटे ला झोट प्राणीज तंतुर दुईट उदाहरण दियो गोटे ला रेशम आ गोटे पशम प्राणीज तंतुर पिले रेशम जोड़ा टसर पकुठू मिले पशम जोड़ा मेंढा छेली चमरी गाई इत्यादि मिले तेब बुझी होची पिले बुझी होची विज्ञान पाठ बहुत सुंदर पाठ है यहाँ मन दे शुणा बुझा लेखिबा परवर्ती प्रश्न को जीबा छ नंबर प्रश्न पिले तंतुरु प्रस्तुत चारोटी जिनिसर नाम लेख तंतुरु तयारी होतबा चारोटी जिनिस से प्राणीज तंतु हो बा उद्भिज तंतु हो गोटे है किए ना तंतुरु प्रस्तुत गोटे तकिया तयारी करिवारे जोड़ा तुला पिले कौन तुला कपा तुला बा सिमिली तुला तेणु तेणु तकिया तयारी रे दौड़ी तयारी करिवारे पिले तुमर दौड़ी नड़िया कतारू जो मिलुची नड़िया दौड़ी रसी ब्याग होची पिले ब्याग भी तैयारी होची बस्ता पिले तैयारी होची पिले कौन सॉरी वस्त्र तंतुरु पिले कौन वस्त्र तेणु तकिया तैयारी रे दौड़ी ब्याग आउ वस्त्र तुम्हें जो पोशाक पिंधुच पिले यह तंतुरु प्रस्तुत होता है पिले सात नंबर जीवा प्लास्टिक बाल्टी रे कलंकी लगे कि ना प्लास्टिक बाल्टी रे कलंकी लगे हाँ ना ना पिले कलंकी लगे प्लास्टिक बाल्टी रे ना तेणु ना लिखिदे घरे व्यवहृत चारोटी प्लास्टिक जिनिषर उदाहरण दियो तुम घरे पिले व्यवहृत होता चारोटी प्लास्टिक जिनिष बाल्टी है बाल्टी डबा विभिन्न जिनिषपत रखापी ए रखापी सप पिले तुम्हें जो बिछणा पार सुह आसन पिले जो आसन उपर बस तुम्हें जलखिया कर भोजन कर है यह व्यतीत पिले तुम्हें जदि अन्य जिनस जाच तुम्हें लिखिपार प्लास्टिक रे बहुत गुड़ाए जिनस अच्छे आम चतुर्पाश्वर आम घर आम विद्यालय तेणु तुम्हें तहार नाम भी लिखिपार ये पिले जो तंतु प्रस्तुत चारोटी जिनस ये मात्र केवल यही चारोटी जिनस नुहे बहुत असंख्य जिनस अच्छे तेणु तुमको तुम यारी भितर यह व्यतीत अन्य जो जिनस जाच लिखिदेव बुझे ना ना पिले हाँ तापर पिले जीवा नौ नंबर प्रश्न को जीवा नड़िया कतारू प्रस्तुत दुईट जिनिषर उदाहरण दियो नड़िया कता पिले बाड़ी समस्त बाड़ी बगिचार नड़िया गछ निहाती थिबो नहीं नड़िया कतारू दुईट जिनिष गोटे दौड़ी तयारी हुए नड़िया कतारू जो दौड़ी रसी आ गोटे पापोच पिले कौन पापोच जो आम घरे पकांती पाद पोछिबा पापोच बुझी होची पिले यह व्यतीत तुम्हें जदि अन्य किसी जाच जिनिष लिखिदेव है ठीक हम दस नंबर प्रश्न पिले चल आलोचना करवा प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु मध्य गोटे पार्थक्य प्राकृतिक तंतु आ कृत्रिम तंतु जो तंतु प्रकृति मिली थाए जो तंतु प्रकृति मिलू थाए सी किए उद्भिद किंवा प्राणी ठारू मिली थाए ताको प्राकृतिक तंतु बोली कहते जो तंतु प्रकृति जता उद्भिद किंवा प्राणी ठारू मिली थाए
ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ତନ୍ତୁକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ତନ୍ତୁକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ପିଲେ ଭାବୁଛ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ବା କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁର ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା, ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ, ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କହିଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଛି, ତୁମେ ବି ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁର ଉଦାହରଣ ହେଲା କପା, ଝୋଟ, ପଶମ, ରେଶମ। କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ପିଲେ ତୁମେ ଲେଖିବ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ଲାଇଲନ୍, ଟେର୍ଲିନ୍, ପଲିଷ୍ଟର, ଏଇଟା ସବୁ ପୁରା କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ, ତାର ଉଦାହରଣ ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ପିଲେ ଯିବା ଦଳ 11 ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେ କପାତୁଳାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। କପାତୁଳାକୁ, ହଁ, କପାତୁଳା କପା ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏକ ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ କପାତୁଳାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। କପାତୁଳା କେଉଁଠୁ? ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳୁଥାଏ, ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏକ ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ କପାତୁଳାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ? ବୁଝିହେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଠ ବିଜ୍ଞାନ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ପାଅ, ବିଜ୍ଞାନକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ବୁଝ, ଲେଖ। ହେଲା ପିଲେ, ଇଏ ତ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଚାଲ, ସମୟ ହେଇଛି, ଏକ ଆକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ ଅଛି, ଆକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲେ, ଏବେ ଆକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ନିମ୍ନରେ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁଟିକୁ ଚିହ୍ନା। ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁ ପିଲେ ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କହନ୍ତି, କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ମଣିଷ ନିଜେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥାଏ, ସେ କିଏ? ସେ ତନ୍ତୁଟି ସୂତା, ନାଇଲନ୍, ଝୋଟ, ପଶମ। ବେଲେ ଏଇ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ନାଇଲନ୍, କାରଣ ଝୋଟ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଥାଏ, ପଶମ ବି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠୁ ମିଳିଥାଏ, ସୂତା ବି ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନାଇଲନ୍ ଏକ ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷକୃତ ତନ୍ତୁ, ଇଏ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁ, ଯିଏ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ସିଏ। ତାପରେ ବେଲେ ଯିବା, କପା ତନ୍ତୁରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପଲିମର ନାମ କ'ଣ? ବେଲେ କପା ଯେଉଁ ତନ୍ତୁ ଅଛି କପା ତନ୍ତୁରେ, ସେଠି ପ୍ରାକୃତିକ ପଲିମର କିଏ? ଇଷ୍ଟର, ରାୟନ, ଏଥିଲିନ୍, ସେଲୁଲୋଜ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୋଲେ ସେଲୁଲୋଜ୍। କପାତନ୍ତୁରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପଲିମରର ନାଁ ହେଉଛି ସେଲୁଲୋଜ୍, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ। ସେଲୁଲୋଜ୍ର ପଲିମର ହୋଇକି, ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଲୁଲୋଜ୍ ଏକାଠି ହୋଇକି, ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଏ କପାତନ୍ତୁଟି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। 3 ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଏଥିରେ କେଉଁଟି ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍? କେଉଁଠି ବିଲେ ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍? ବିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି। ଏଇ ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କେଉଁଟା? ମେଲାମାଇନ୍, ପଲିଥିନ୍, PVC, ନାଇଲନ୍। ଏହା ଭିତରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲେ ମେଲାମାଇନ୍। ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପିଲେ କିଏ? ମେଲାମାଇନ୍। ହେଲା, ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସହ୍ୟ କରିପାରେ। ହେଲା, ତାପରେ ପିଲେ ଯିବା 4 ପ୍ରଶ୍ନକୁ, କେଉଁ ତନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପଶମ ପରେ? ଏଥିଲିନ୍, ଏକ୍ରିଲିକ୍, ନାଇଲନ୍, ଟେରିଲିନ୍। ପିଲେ ଏସବୁ ଯେତିକି ଅଛି ଏସବୁ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପଶମ ପରି, ତାହେଲେ କିଏ ପିଲେ? ଏକ୍ରିଲିକ୍। ଏ ତନ୍ତୁ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ପଶମ ପରି? ଏକ୍ରିଲିକ୍। ପିଲେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା, ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ହିଁ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଏହାକୁ ବୁଝିବା, ମନେ ରଖିଦେବା। ତେଣୁ ପଶମ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁ ହେଉଛି ଏକ୍ରିଲିକ୍। କ'ଣ ପିଲେ? ଏକ୍ରିଲିକ୍। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଯିବା 5 ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନୁହେଁ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନମନୀୟ, ହାଲୁକା, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ। ହଁ ପିଲେ, କେଉଁଟା ଗୁଣ ନୁହେଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନମନୀୟ ଅଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବି ନମନୀୟ ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି କରିହେଉଛି, ହାଲୁକା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାଠ ଚେୟାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚେୟାର ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କାଠ ଭଳିଆ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, ବହୁତ ଦିନ ଯାଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ ନାହିଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ ଯାହା ଆସ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହିଁ ପିଲେ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନୁହେଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର। 6 ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲେ ଯିବା, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛତା ନାଇଲନ୍ରୁ ତିଆରି ହେବାର କାରଣ କେଉଁଠି ହୋଇପାରେ? ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆମେ ପିଲେ ଛତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନା? ଏବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଯାଇଛି ନା ନାହିଁ? ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଘନ ଘନ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ? ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବ, ଛତା ଧରିକି ଯିବ, କେମିତି ଯିବ ପିଲେ? ଛତା ଧରିକି ଯିବ ନାହିଁ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଛତା ନା, ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଛତା ଧରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ। ନାଇଲନ୍ରୁ
तयारी हेबार कारण से छतार जो कपड़ाटी कौथर तैयारी होती पे नाइलन रु या कारण कौन सुंदर देखा जाए फिंपी लग जाए सहजरे चिरे ना शीघ्र सुखी जाए तेणु पे यार कारणटी कौन सुंदर देखा जाए के नुहे फिंपी लग जाए के नुहे शीघ्र सुखी जाए के नुहे सहजरे चिरे ना यहीटा ही पे तार ठीक उत्तर आस पे आम सत नंबर प्रश्न उत्तर को आलोचना करवा संश्लेषित तंत्र नाम पाइबा शब्द धंदाटी को आम पूरण करवा पे देख एटार गोटे शब्द धंदा दि जाइला मझीरे किसी फाका स्थान था जहाँ को इंग्राजी आम क्रॉसवर्ड पजल बोली कहते ना क्रॉसवर्ड पजल कर शब्द नुआ शब्द गठन कर कौन पिला देखीदे पे मे थिला दुईटी घर फाका थिला एटी मध्य किसी लेखा ना जहाँ को लेखिले मेला माइन हम पे कौन हम मेला माइन एटी पे टे थिला ए दुटा घर थिला एटी नौ थिला टेरी लीन एक लेखिले टेरी लीन हला पे ये कौन हम नाई ये गोटे घर थिला एवं एन थिला नाइलन नाइलन यहाँ पे देखीदे ये थिला ए ए घर फांका थिला एटी ली थिला एटी घर फांका थिला ए थी लीन कौन पे ए थी लीन एटी पे प एटी ली ए घर फांका थिला एटी र लिखा थिला पॉलीमर पे कौन हम पॉलीमर बुझे पे एथिलीन पॉलीमर नाइलन मेलामाइन टेरिलीन बुझे पे ये सब संश्लेषित तंतुर गोटे गोटे ना है शब्द धंदाटी पे मजा लगला भल लगला भेरी गुड आस पे आगे नहीं जावा समय हो जा आठ नंबर प्रश्न को देखा विद्युत स्विच या बेकलाइट कहीं व्यवहार कराए बेकलाइट व्यवहार कराए बेकलाइट ताप कुपरी भाई और विद्युत ताप और विद्युत कुपरी भाई बेकलाइट ताप कुपरी भाई विद्युत भी कुपरी भाई से वैद्युतिक स्विच या बेकलाइट व्यवहृत हुए हाँ पे स्विच जो याश्चित ताप विद्युत कुपरी भाई हवा दरकार है तेणु बेकलाइट ही ताप विद्युत कुपरी भाई अधिक ताप सह्य कर सहजरे बेकलाइट मध्य ताप सह्य कर कौन हम ये मेल्ट करना तेणु बेकलाइट को स्विच वैद्युतिक स्विच तैयारी व्यवहार कराए है नौ नंबर प्रश्न को जी जे आमे कहीं प्लास्टिक बैग बदल सूता बैग कि अखा बैग व्यवहार करने उचित प्लास्टिक बैग पे बजार भी मिलूँ अखा बैग भी सूता बैग भी बजार मिलू यहाँ भितर आम कौटा व्यवहार करवा कहीं प्लास्टिक बैग बदल सूता बैग कि अखा बैग व्यवहार करवा उचित कारण अखा बैग बा सूता बैग शीघ्र मटी में मिसी जाए यह जैविक अवक्षय जो सूता बैग व्यवहार करने उचित बा अखा बैग व्यवहार करने उचित तेणु सूता बैग आउ अखा बैग कौन पे मृत्तिकापाई भल नाई जैविक अवक्षय हो पार मटे मिले परिवेश दूषित हम ना तेणु प्लास्टिक बैग बदल आम सूता बैग कि अखा बैग व्यवहार करवा उचित आम परिवेश बहुत उपकारी आस पे दस नंबर प्रश्न को आलोचना करवा रोसे घरे बा विज्ञानगारे नाइलन पोशाक पिंधि काम करने को बारण कराए कहीं हाँ पे पोशाक तो अनेक पोशाक अच्छी संश्लेषित तंत्र अनेक पोशाक तैयारी किंतु रोसे घरे बा विज्ञानगारे नाइलन पोशाक पिंधा मना कारण कौन नाइलन वस्त्र तत्णात निआ लग जापे है निआ लगे एगुड़क तरली जाए शरीर चर्म और मांस लाखी हो रही जाए जहाँफल चिकित्सा असुविधा हुए एवं पोड़ा घा सुखिबारे विलंब हुए तेणु रोसे घरे बा विज्ञानगारे नाइलन पोशाक पिंधि काम करने को बारण कराए हाँ पे मन रख नाइलन वस्त्र बहुत विपद रोसे घरे निया लगार संभावना अच्छी विज्ञानगारे निया लगार संभावना अच्छी तेणु जो निया लगार संभावना अच्छी से जगार वस्त्र पिंधिले विपद थाए निया लगिगले मुझे कहली शीघ्र तरली जीव चर्म मांस लाखी रही घाई पोड़ा घाई बेले बेले भी लोक अत्यधिक दुर्घटना जो मृत्युमुखर पड़ता है तेणु पिले
तुम्हें सचेतन हबो जेबे रोसे घर को जाउछ बा रोसे कार्य रे लिप्त रहउछ बा विज्ञान घर रे तुम्हें किछि परीक्षा करुछ तबे पिले यहा तिला तुमरो आजिर आकलन फर्दर प्रश्न उत्तर म आशा करुछि तुम्हें यहा को समस्त मन दे सुनिछ बुझिछ आ लिखि दबो पिले जदि बुझि हो नथिबो ताले कमेंट बॉक्स को जाई मते क्वेश्चन टि को लिखि दबो जदि भल लागि छि पिले क्लास टि ताले तुम्हें लाइक शेयर कमेंट करिवा को भूलिबो नै एवं ए चैनल टि को सब्सक्राइब मध्ये करि दबो तबे पिले आज समय होछि आमे क्लास 2 एटि रखिबा पुणी आउ एक दिन कार्यफर्द नै आसीबी तबे पिले थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे बाय बाय।